आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस लाइट वेट रिंग का। इसका मैं विद वेट आपको दिखाऊंगा इस पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट है, देख सकते हैं आप, और डिज़ाइन भी देख सको कितना अच्छा डिज़ाइन है मैन के लिए, ठीक है। हर एंगल से आपको कुछ करो दिखाने का, ठीक है। और काफ़ी वेटेड लग रहा है, 18 कैरेट में है, और डिज़ाइन देख लीजिए नंबर वन। और बाकी बिल भी आपको दिखाऊंगा, और ये दुकान का पूरा लोकेशन भी मिलेगा आपको, विनय ज्वेलर्स बंगला बाजार कानपुर लखनऊ, और उनका मोबाइल नंबर देख लीजिए अगर आपको लेनी हो तो उस केस में, ठीक है। चलिए अब आपको वेट दिखाऊंगा इसी चीज़ का लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके, ठीक है। चलिए ये आ गया जीरो पे, इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। साइज भी देख लीजिए परफेक्ट एकदम, मैं वियर करके आपको दिखाता हूँ अपने इसमें, ठीक है। एकदम परफेक्ट आता है यार, ठीक है। वो तो अब मैं डालू कैसे यार, इशू आ रहा है बिकॉज मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। चलिए आपको दिखा देता हूँ फिर भी इसको पुट करके, ठीक है ना। काफ़ी लूज है, देखिए आ गया, ठीक है। ये देखिए और तो कितना अच्छा लग रहा है हैंड में, तो जीरो पे आ गया उसको। इसका वेट है 1.15। चलिए आपको उतारते हैं और इसका वेट भी दिखाता है, एक मिनट दोस्तों। उतार दिया दोस्तों, वही है, देख लीजिए वही चीज, ठीक है। वेट मैंने आपको दिखा दिया, और ये मेन के लिए अब इजी टू वियर है, और साइज भी अच्छा खासा काफी आ जाएगी। वेट देख लो 1.15, ठीक है। अभी 1.120 थोड़ा एयर का वेट आ गया है, थोड़ा उससे ऊपर आ गया, 1.12 आ गया। बाकी रेटेड सब दिखा था, 1.150 मिलीग्राम था, 5200 की प्राइस में, क्योंकि 18 हो गया, क्योंकि मैं हटा दूँ फिर भी दिखाएगा इतना, ठीक है। क्योंकि ऊपर देखिए फैन ऑन है, दैट्स ठीक है। 5000 वही एयर का वेट है। अब मैं इसको और कई जगह को अभी सही आना चाहिए, और कम आएगा तो 1.18 आ रहा है, 1.15 है, ठीक है। तो इसके 5200 में है, और एकदम भाई आई है, सोल मार्क है। स्टैम्पिंग दिखा दूँगा आपको, आप कहोगे लोकल है, देखिए ब्रांडेड स्टैम्पिंग देख लीजिए बस, देखिए 750 होता है ना BLS 750 स्टैम्पिंग है, और नीचे भी है, ठीक है। ये इसके एकदम फाइन वाली चीज़ है, क्वालिटी वाली है, ठीक है। ब्रांडेड, इसको आप ब्रांडेड कहते हैं, वो वाली चीज़ है, कोई मिक्स नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो दिए हुए नंबर इस पर कॉल करिए, और आप परचेज करिए लाइट एस्टिमेट।